प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला गज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुत धन्यवादी हाँ प्रबंधकों का, विशेष तौर पर बाबा जी संत महापुरखों का, प्रिंसिपल सरदार सुखवंत सिंह जी साढ़े सत्कारयोग ने, प्रिंसिपल जसपाल सिंह जी, होर सारे जिन्हें भी इस उपराले शामिल ने, तुसी बड़े खुशकिस्मत हो कि तुहानू वख वख तरह की इत्थों संगीत प्रति, गुरमत संगीत प्रति जानकारी मिलती पई है। एक गल याद रखियो कि हरेक विद्यार्थी का, हरेक टीचर का, हरेक अध्यापक का नजरिया हर विषय प्रति आपो अपना हुंदा है। कुछ बेसिक गल्लां जिन्हां नूं छेड़िया नहीं जा सकता, जिहड़ियां गल्लां गुरबाणी दे आधारित ने, विशेष गल्लां उन्हां नूं छेड़िया नहीं जा सकता, पर गुरमत संगीत दे अंतर्गत, विशेष तौर ते संगीत दे अंतर्गत कुछ गल्लां आउंदियां ने, कुछ उदाहरण आउंदियां ने, कई तरह के मोड़ आते हैं, कई तरह के तोड़ मरोड़ आते हैं, उन्हां प्रति हर टीचर का, हर अध्यापक का नज़रिया आपो अपना है। की ठीक है, की गलत है, ये सिर्फ वो जानता है। जिन्हें भी असी इत्थे अध्यापक जन आए हाँ, बेशक असी तुहाडे अल फेस रख के बोलते तो पए हाँ, पर ये सारा कुछ तुसी सोच सकते हो, असी कितों ना कितों दूरों पारों पढ़िया हुंदा फिर असी बोलते हाँ। सो जिवें जिवें किसी भी लिटरेचर दी, किसी लिखत दी विचारधारा साडे नाल मेल खांदी है, असी वो चीज़ नू एप्रीशिएट करते हुए तुहाडे अगे उन्हूं प्रेजेंट करते हाँ। अदरवाइज जे कोई चीज़ साडी विचारधारा नाल मेल नहीं खांदी तो मेरे ख्याल च उत्थे किंतु करना नहीं चाहिए सानू। एनीवे मेरी एक बेनती है, हाँ सारिया कोल बड़े बड़े अच्छे मोबाइल फोन्स हैगे ने, ते कृपा करके जे असी थोड़ी देर लई स्विच ऑफ रखिए, जे कोई डॉक्टर इत्थे बैठे ने ते वह साइलेंट मोड ते लगा सकते ने। एनीवे चलो मैं गल कर रहा सी, असी अज राग तुखारी बारे थोड़ी जी गल करांगे तुहाडे नाल, थोड़ी सांझ पावांगा मैं जिन्ना कि मैनू आउंदा है। वैसे मैं ये सोच के आया सी भई इत्थे बच्चे बिगिनर्स जिवें हुंदे ने, पर मैं वेख रहा भई आ बच्चे तो मैनू मेरे नालों भी बड़े सियाने लगते, मतलब बैठे ने जिहड़े विद्यार्थी, बड़े सूझवान, तुसीं बड़ी समर्था वाले लगते हो। पर मैं एक बंदिश तुहाडे नाल सांझी करांगा, पहले राग तुखारी बारे थोड़ी जिहड़ी मैं विचारधारा देखी है तुहाडे नाल सांझ पावांगा, उस तो बाद एक सिंपल जी बंदिश तुखारी दे विच, एक ताल दे विच। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ अपने वीर जी बैठे ने मेरे नाल, ते ये मेरा साथ देणगे ते मैं तां ही चल सकांगा गुरु साहब की कृपा नाल। मैं बहुत धन्नवादी हाँ इहनां दा। राग तुखारी,
तुखारी एक अलप प्रसिद्ध रागां दी श्रेणी विच आउण वाला निवेकला। मेरे ख्याल च आ मैं जिहड़ी थ्यूरी तुहाडे नाल सांझी करांगा ना, बेशक तुसी विच विच लिख सकदे जे इहनूं, जे तुहाडे कोलो नोटबुक्स कापियां वगैरह पेंसिलां हैगियां उहनूं किते किते लिखियो, ये चीज़ां असां पढ़ के इकट्ठियां कीतियां ने। ठीक है, मैं दस रहा सी भी तुखारी एक अलप प्रसिद्ध रागां दी श्रेणी विच आउण वाला निवेकला अते मौलिक राग है। इहदी अपने आप विच एक वक्री पछाण है, लेकिन है विलखण वक्रा। जेकर असी इतिहास वेखीए ते भारतीय संगीत दे प्राचीन मध्यकाली जां आधुनिक काल दे किसी भी ग्रंथ विच इहदा वेरवा इहदा उलेख नहीं जे मिलदा। यह मैं जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां कर रहा, इन्हां नूं कृपा करके नोट करी जायो, ये मेरी सोच मुताबक बड़े कम दियां गल्लां ने। इस तों अलावा जे असी घराणेदार गायकां वल ध्यान मारीए जां वादकां वल जिहड़े इस राग नूं वजाउंदे वी ने, ते इस राग दा तुखारी दा स्पष्ट रूप स्पष्ट स्वरूप कोई विशेष तरीके नाल सामने नहीं आउंदा, नहीं आया। वैसे गुणी जना दा विशेष तौर पर जिहड़े गुरमत संगीत दे संगीताचारियां ने, उन्हां दा यह विचार है कि यह राग की उत्पत्ति, इस राग की रचना गुरु नानक साहब द्वारा हुई है। मैं इहदे नाल कुछ रलदा मिलदा राग है जिहड़ा आम तौर पर तुहाडे एक सवाल आ रहा होगा मन च, जिहड़ा भारतीय संगीत च मिलदा, मैं उहदे बारे भी गल करांगा, लेकिन मैं तुखारी की गल कर रहा। ते संगीताचारियां मुताबक यह राग गुरमत संगीत वालों गुरु साहिबान वालों भारतीय संगीत नू एक अनुपम देना है। भारतीय संगीत नू तुखारी राग गुरु साहिबान वालों गुरमत संगीत दी एक अनुपम ते विलखण देना है। वैसे जे असी होर इतिहास थोड़ा इहदा वाचीए ते इह एक इलाकाई लोक धुन, इलाकाई लोक धुन। इलाका केड़ा? हिमालय दे उत्तर पछम दा देश। तुखार जां उहनूं तुषार बोलदे आ, तुषार तुषार उत्थों विकसित होया वी मन्निया जांदा। इस तों अलावा एक मत होर भी है कि सूफी संगीत परंपरा तो भी इहदी आरंभता मन्नी जांदी है। चलो बेशक भावें संगीत दे बहुते ग्रंथ जिहड़े ने जां राग रागनियां ने बंसावलियां ने राग मालावां ने जां खास करके स्पैशल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अंत ते रागमाला, इहदे विच वी कोई तुखारी दा विशेष रूप नहीं मिलता, कोई जिक्र नहीं मिलता। परंतु गुरमत संगीत दे विच राग तुखारी दा एक विशेष स्थान है। गुरबाणी दे आधार ते भी इहदा एक विशेष स्थान है, मैं अगे जाके जिक्र करांगा। तुखारी दे भी गुरमत संगात संगीत दे आधार ते तुखारी दे भी कई तरह दे स्वरूप मन्ने जांदे ने। विशेष तौर ते मैं कई लिखतां च वेख्या, मैं एक लिखत जिवें प्रिंसिपल दयाल सिंह जी होए साडे महान संगीताचारिया, उहनां दी लिखत दे विच तुखारी राग दे अठ स्वरूप वक्खो वक्खरे उपलब्ध हुंदे ने। तुखारी राग दे अठ स्वरूप कई तरह दे होर भी मत ने, आपो अपने फिर
गुरमत संगीताचारियों के, लेकिन जो एक तुहारी का पुख्ता गुरमत संगीत दे संगीताचारिया जां राग निर्णायक कमेटी जिहड़ी निश्चित की गई है उन्हां द्वारा एक पुख्ता स्वरूप तुखारी राग का सर्व प्रवाणित स्वरूप है वो असी अज साझा करांगे। तुखारी बारे थोड़ा इहदा स्वरूप की है, वादी संवादी जां होर सारा कुछ की है, मैं थोड़ा साझा करन लगा। सब तो पहला किन्ने विद्यार्थियों नू मेरे ख्याल च तकरीबन सारियां नू पता होएगा कि यह राग केड़े थाट के अंतर्गत आउंदा है। राग तुखारी केड़े थाट के अंतर्गत आउंदा है? मैं तुहाडे गुस्ताखी कर लगा भी मैं तुहाडे हाथ वेख सकदा जिन्हें विद्यार्थियों नू इस गल का पता है। राग तुखारी केड़े थाट का राग है, केड़े थाट के अंतर्गत आउंदा है? हाँ जी, टोडी क्या जा सकता है? वेरी गुड, शाबाश बेटा। याद रखो कुछ राग संगीत च गुरमत संगीत च गुरमत संगीत दे मेन विशेष कती मुख राग ते कती अगे उपराग जां प्रकार कह लो 62 राग ने ना, इन्हां दे विचों ही कुछ राग अजे ने जिहड़े किसी भी थाट दे विच नहीं समाउंदे, ठीक तरीके नाल किसी भी थाट दे विच नहीं समाउंदे। आम तौर ते इहनूं असी बच्ची ने बिल्कुल ठीक आख्या कि तोड़ी थाट जिहड़ा उहदे अंतर्गत मन्या जांदा, पर प्रॉपर तरीके नाल मैं तुहानूं दसण लगा, इस चीज़ नूं नोट करियो। मैं बड़े अदब नाल ये गल दसांगा क्योंकि इत्थे भी साढ़े सत्कारयोग पंडित जी जिहड़े आप जी नूं समय समय विद्या प्रदान करदे रहिंदे ने, ते मैं उन्हां नाल संबंधित तुहानूं गल करन लग्गिया कि दक्खण दे पंडित व्यंकटमुखी, दक्षणी संगीत दे पंडित व्यंकटमुखी, जिवें इत्थे पंडित वी एन भातखंडे ने 10 थाट बनाए, उन्हां दे अंतर्गत लगभग सारे राग जिहड़े समाउंदे ने, लगभग मैं शब्द बोलिया सारे ने। इस तरह गल नोट करन वाली जे, इस तरह दक्षणी पंडित जिहड़े पंडित व्यंकटमुखी ने उन्हां दे 10 थाटां की बजाय 72 मेल ने, 72 मेल, ठीक है, थाट मतलब मेल इको गल है, वह मेल आखते ने। उन्होंने विचों उन्हों का एक थाट है धर्मवती, ये नोट कर लो चीज़, धर्मवती। जे तुखारी राग फिट बैठता समाउंदा तो उस थाट के विच वधेरे समाउंदा, दक्षणी मेल धर्मवती। मैं हुणे 10 हटिया कि जिहड़े प्रचलित थाट ने 10, उन्हां दे विच इह राग नहीं समाउंदा ते धर्मवती दे अंतर्गत आउंदा। वैसे इहनूं इक मत अनुसार मुल्तानी अंग दा राग भी मन्निया जांदा, मुल्तानी। तुखारी स्वर किहड़े प्रयोग हुंदे ने तुखारी विच? गंधार कोमल, मध्यम तीवर, दोनों निषाद, दोनों निषाद, बाकी सारे स्वर शुद्ध। इहदे विच वर्जित स्वर किहड़े किहड़े ने वी नोट करो। अरोह विच ऋषभ अते धैवत, अरोह विच ऋषभ अते
धावत किन्ने विद्यार्थियों नू ए पता लग गया इन्ना क दसण ते किन्ने विद्यार्थियों नू पता लग गया कि इस राग की जाति की है। मैं हाथ वेख सकदा तुहाडे, मैं हुणे दस के हटिया इहदे स्वर ते इहदे वर्जित स्वर। मैं वर्जित स्वर दे विच दस्या अरोह विच ऋषभ अते दहावत। हुण मैं तुहाडे हाथ वेखना चाहुंदा भी तुसीं दस सकदे हो भी इहदी जाति की बनेगी। शाबाश, इहदी जाति काफी बच्चियां दे हाथ खड़े होए सी औड़व संपूर्ण। जदों दो स्वर जांदियां वर्जित ने इहदा मतलब अवरोह दे विच सत दे सत स्वर लगदे ने, पंज सत औड़व संपूर्ण। वादी स्वर इहदा बड़ा वधिया स्वर है पंचम, वादी स्वर पंचम, संवादी षडज, वादी संवादी पा सा, पंचम षडज। गायन समा दिन दा चौथा पैर, इहदा संप्रकृतिक राग जां बिल्कुल निकटवर्ती राग जिहड़ा भारतीय संगीत विच वी गायन कीता जांदा है, इहदा संप्रकृतिक राग निकटवर्ती राग जिहनूं भारतीय संगीत विच वी गायन कीता जांदा है दैट कॉल्ड, किन्नियां जणियां नूं पता है? वेरी गुड, शाबाश। मधुवंती, मधुवंती राग बड़ा इहदे नेड़े दा राग है, कोई बहुता विशेष फर्क नहीं। वैसे इहनां दी पछाण निवेकली बन जांदी है जदों असीं गाउंदे आ। मैं कई गायक सुने ने जिहड़े मधुवंती दे विच उस स्वर दा प्रयोग करदे ने, उस स्वर दा प्रयोग करदे ने जिन्हों असी तुखारी राग का दर्जा दें। किन्ने जने पता है कि वो विशेष स्वर केड़ा है जेड़ा तुखारी विच ते प्रयोग हुंदा है पर मधुबंदी विच नहीं हुंदा? कोमल निषाद, शाबाश। एक खास तरीके नाल कोमल निषाद स्वर है जदों असीं इहदा प्रयोग करदे हां ते फिर वो मधुवंती तों तुखारी बन जांदा है। अरोह वरोह इहदी मैं नाल दे नाल सांझी करांगा जदों असीं, मैं बंदिश तुहानूं एक सुणावांगा, तुसीं नाल नाल नोट करी जायो। वैसे मैं बंदिश तुहानूं कराउण लगा, मैं सिंपल जी बंदिश तुहानूं करावांगा, पर मेरी मैं हुणे तुहानूं दस के हटिया सी भई आपो अपनी विचारधारा हुंदी है। मैं ये गल बहुत ही नहीं मानदा कि सारा दा सारा गाना जिहड़ा वो नोटेशन दे विच जां बंदिश दे विच समा सकदा, ठीक है ना। जदों असीं नोटेशन गाने आ जां नोटेशन कराउने आ, ठीक है, नोटेशन तो बगैर गुजारा भी नहीं है, नोटेशन नूं देखना पैंदा है, पर कई वारी असीं आदत पा लैंदे आ ते फिर असीं जदों स्टेज ते गाने आ ते ओह वी इंज लगदा भी असीं नोटेशन सामने रख के गाउंदे आ। मैं नोटेशन वेखो सामने रखी है ना, मैं तुहानूं नोटेशन करावांगा, ठीक है ना। थोड़ा जिहा इस चीज़ के फर्क नूं समझियो। मैनूं हुक्म होया सी, असल दे विच मैं 2 बजे दे करीब हाजरी भरनी सी ते मैं हुण तुहाडे नाल तुखारी सांझा लगा करन, पर मैनूं हुक्म होया सी भी वक्त दा भी कोई राग वह मैं बाद च तुहाडे नाल थोड़ा सांझा करांगा। सारंग इहदी इक बंदिश तुसीं देख लो, मैं तुहानूं नाल दे नाल इहदा सारा कुछ दसांगा। मैं अरोह वरोह सांझी करन तों पहलां एक दो गल्लां होर इहदे बारे
ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਪਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੱਧ ਤਾਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਮੰਦਰ ਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਤੁਖਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਝ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਖਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਰੋਵ ਰੋ ਕੁਛ ਮੁੱਖ ਅੰਗ, ਕੁਛ ਸਵਰ ਸੰਗਤੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ? ਚਲੋ ਸਤ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਹ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
याद रखियो तुसी पिक्चरां च भी वो देखी होनी चीज भई अपने शिगिर्द नू उस्ताद कहिंदा है कि तू 10,000 चीजां दा इस्तेमाल नहीं करना, एक चीज दा इस्तेमाल करना जिदा अभ्यास तू 10,000 बार कीता है। ते संगीत ते भी यही गल ढोकदी है कि लैसन थोड़ा अभ्यास बहुता, पर चंगी तरह वधिया तरीके नाल। ठीक है, सा लगावांगे असी सारे मेरे मगर, तुसी सा लगाओगे फिर मैं अरोवरो तुहानू इहदी दसांगा, सांझी करांगे असी। सा केवल सा सा अच्छा हुण असी इस तरह लगावांगे नी सा अगेन नी सा नी नी सा हुन नी सा गा ga ma pa ga ma pa ma pa ga ma pa ni sa ni sa sa again sa ni da pa ni da pa ni da pa
अच्छा ऐ मैं एक स्वर दसिया सी मधुवंती नालों वखरा लगता है वह कोमल निषाद ये भी असी देखो मैं हुणे तुहानू दस के हटिया सी भी हर एक अध्यापक का गायक का वादक का आपो अपना नजरिया हुंदा है इनू असी कोमल नी नू कोमल निषाद नू पंचम तो भी लैने ते तार छड़ज तो भी लैने पंचम तो भी तार छड़ज तो भी ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਪਾ ਨੀ ਦਾ ਪਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੜਜ ਤੋਂ थोड़ा टच करांगा देखो कैसा लगता है सा नी दा पा नी दा पा अच्छा जदों असी फिर वापसी आने साधारण ते असी इस तरह आने म प ग रे सा ऐदा म प लेकिन एदा स्वरूप म प ग रे सा ध्यान नाल सुनो मैं की कर रहा म प ग सा रे सा इहदा स्वरूप पकड़ इहदे च कुछ खास स्वर संगतियां ने जड़ियां बार बार प्रयोग हुंदियां ने पानी दा पा ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ ਪ ਗ ਰੇ ਸਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮ ਪ ਗ ਜ਼ ਰੇ ਸਾ एक मैं बेनती करना चाहना है अगेन मैं कह रहा कि किसी वेले ये हुंदा हो सकता मैं ये गुस्ताखी तो नहीं करांगा भी राग निर्णायक कमेटी ने जो एदा स्वर स्वरूप निर्धारित किया उहदे च कोई छेड़छाड़ करा पर अपने तौर पर व्यक्तिगत लैवल से अपने इंडिविजुअल लैवल ते जे मैं एदे विच कोई किते मैनू आनंद आउंदा जां मैं जिस ढंग नाल इहनू गायन करदा ते उस चीज़ नू तुसी नैगेटिव करके नहीं लैणा क्योंकि मैं हुणे दस के हटिया कि आपो अपना नज़रिया हुंदा है ठीक है हो सकता है कोई चीज़ ऐसी तुहानू विच मेरे गायन दे विच लगे जिहड़ी थोड़ी मैं अलग कर रहा जां अपनी मन मर्जी कर रहा हो सकता मैनू उत्थे आनंद आउंदा होवे मैं इत्थे दसणा जरूरी समझदा है कि इहदे च कोई शक नहीं
बड़ी इंपॉर्टेंट गल कर लगा कि इहदे च कोई शक नहीं है कि गुरु साहब ने रागां नूं बड़ी महानता दिती है गुरु ग्रंथ साहब विच। गुरु साहब ने आख्या राग नाद सबद सोहणे जा लागै सहज ध्यान। राग नाद शब्द सोहने जा लागै सहज ध्यान। अलग अलग रागां नूं मुखातब करते हुए गुरु साहिबान ने कई रागां दा विच वर्णन किया, परंतु याद रखियो फिर भी भावें असी रागां दी बड़ी जानकारी गहन विद्या लैनी है, पर उहदे बावजूद भी एक गल मैं कहण दी गुस्ताखी कर लगा कि गुरबाणी जिहड़ी उचारण कीती है गुरबाणी गुरु साहिबान ने उचारण कीती है, इहदे विच किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का अधिकार सानू नहीं है। पर राग निर्णायक कमेटी साढ़े बड़े सत्कार योग सारे संत बाबा सुच्चा सिंह जी, बड़े बड़े महापुरख जिन्हां दे उद्यम सदका ये सारा कुछ हो सकिया, संभव होया कि राग निर्णायक कमेटी ने अपने नवेकले वक्रे स्वरूप स्थापित किए 31 रागां दे, 31 प्लस 31 62 रागां दे। परंतु मैं एक गुस्ताखी कर लगा ये कह के आखिरकार आफ्टर आल इस रूप जिन्ने भी निर्धारित किए गए ने वो महापुरखों वालों इंसानों वालों किए गए ने, ठीक है। ते राग प्रति किते भी रिजिड हो जाना कि इहदे विच आप सुर क्यों लग गया, आ सरूप इदां क्यों किसी ने बनाता, ये समय दे नाल आपे समझ आ जाती है। क्योंकि बंदा जदों कुछ इहदे बारे कोई कमेंट दिंदा तो मैं नहीं समझदा, मैं नहीं कहांगा वो उस वेले गलत हुंदा, उस वेले अपने थां ते वो बिल्कुल ठीक हुंदा है। परंतु याद रखियो असी गुरबाणी नूं, मैं गुस्ताखी कर लगा वैसे तो 9 मास का रिश्ता है, पर फिर भी असी गुरबाणी नूं राग जां बंदिश के मुताबक नहीं ढालना। गुरबाणी दे अर्थ भाव कितना स्पष्ट रहिंदे ने, गुरबाणी दे अर्थ भाव जां गुरु साहिबान ने किहड़ी अवस्था दे विच आ के गुरबाणी उच्चारण कीती है उहदे अर्थ भाव किवें स्पष्ट रहिंदे ने, उह नोटेशन उहदी बणतर असी उस ढंग नाल जिहड़ी है उह बनाउणी है। सो इस करके राग दे विच कुछ ये गल्लां जिहड़ियां आपो अपनियां व्यक्तिगत तौर ते हुंदियां ने उहनूं टैंपरेरीली सुन लैणा ते नोट कर लैणा ही ठीक हुंदा है, इह समें दे नाल हौली हौली जिहड़े आ जदों तुसीं उस्तादां कोल बैठदे हो। हुण जदों असीं बंदिश बनाउने आ कई वारी मैं गुस्ताखी माफ भई उहनूं बड़ा मोड़ देने की कोशिश करदा को मात्रा नूं तोड़ के जां ते कई वारी मैनू उत्थे ना गुरबाणी नाल छेड़छाड़ करनी पैंदी है। वो ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं तुहानूं दसन दिया। दूसरा एक गल याद रखियो
संगीत विशेष तौर ते गुरमत संगीत, मैं कुछ देसी तरीके नाल गल कर लगा। गुरमत संगीत ऐस चीज दा सौदा नहीं है, एदी शमूलियत जरूर है। वैसे इनू वखरे वखरे नाम ही दिते गए ने, अपने आप च बड़ी उच्च पद्धर दी चीज है। ऐ समझते पए हो ना मैं की कह रहा, पर इनू इनू शैतान दा घर भी आख्या गया, इनू शैतान दा घर भी आख्या जांदा, ठीक है ना। ते मैं जिवें अपना सुभाअ तुहानू दस के हटिया भी मैं बहुता ज़्यादा नोटेशन दे विच जिहड़ा ना वो ज़्यादा नहीं डीप जांदा हुंदा, फिर भी मैं तुहानू नोटेशन तो बगैर गुजारा भी है नहीं। मैं तुहानू करावांगा, दसांगा, असीं सांझी करांगे। गुरमत संगीत मैं हुणे कह के हटिया कि ऐस चीज़ ते निर्भर नहीं करता। गुरमत संगीत हिरदे दा सौदा है, हिरदा। गुरमत संगीत या संगीत कह लो एक ही गल है, जिन्ना हिरदेमई होएगा, जिन्नी आवाज़ इत्थों निकलेगी हिरदे चो, वो असरकारक होएगी, ठीक है। जदों असी केवल गिनती मिनती की गल करांगे तो फिर असी उस चीज़ दे विच उलझदे चलते जाने, ठीक है। इस नज़रिए नाल एक छोटी जी बंदिश है मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा। राग तुखारी, मेरे बड़े प्यारे वीर मेरे नाल बैठे ने, मैं बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां दा। फिर एक बार ये साथ देणगे नाल ते मैं चलांगा। एक ताल, एक ताल तुसीं सारे समझदे हो, किन्ने विद्यार्थी समझदे ने एक ताल, जां इक ताल कह लो। सारिआं कोल बंदिश हैगी है जिहड़ी तुखारी राग दी? बंदिश पेपर मिले नहीं अजे, असीं उन्नी देर होर टाइम पास कर लैंदे हां, वह बंदिश आ जाती होने। बस आ दो मिनट तक आन लगी है वीर जी, असल च गलती मेरी सी कि मैं इन्हां नूं थोड़ा वो लेट दिती है। मैं उन्नी देर अपना ना एक छोटा जिहा कुछ गुरमत संगीत बारे कुछ अपनिया जिहड़ियां निजी मेरिया गल्लां जिन्नियां कु मैनूं समझ आउंदियां है वह मैं तुहाडे नाल कर लगा। गुरमत संगीत, संगीत ते गुरबाणी याद रखियो। संगीत विच राग ते राग विच गुरबाणी दा कीर्तन, संगीत विच राग ते राग विच गुरबाणी दा कीर्तन इस समुची कायनात नूं उस अकाल पुरख वालों बख्शी गई एक अलौकिक दात है, कोई शक नहीं इहदे च, कोई शक नहीं। राग एक सूखम ते रूह नूं शांत करन वाली कला है, परंतु जदों राग विच गुरबाणी दा गायन, राग एक सूखम कला है रूह नूं ठंड पाउण वाली, लेकिन जदों उसे राग दे विच गुरबाणी दा कीर्तन, राग ताल ये सारा कुछ मिश्रित हो के फिर जदों ये अद्भुत नज़ारा पैदा करता है, तो यही कला जिहड़ी है राग, ये जीवात्मा नूं परमानंद अवस्था प्रदान करके उस परम पिता परमात्मा विच लीन होण लई, याद रखियो, एक पौड़ी दा काम भी कर दीजे। गुरमत संगीत राग दे विच जदों शमूलियत हुंदी है, गुरबाणी राग ताल जदों इकट्ठे हुंदे है, ते गुरु साहब एवें नहीं कहिंदे राग नाद शब्द सूहणी जां लागै सहज ध्यान। मैं अपने नज़रिए तो गल कर लगा, हो सकता कोई इहदे अर्थ होर भी कोई कढ़दा होवे।
सोच के वेखो ध्यान लाना कितना औखा है, अपने आप च सोच के वेखो सब तो औखा काम दुनिया च की है, प्रेजेंट होना। इस दुनिया दे विच सब तो औखा काम है प्रेजेंट होना। जां ते बंदा पास्ट दे विच तुरिया फिरदा भूतकाल च, ते जां फिर भविख च तुरिया फिरदा, की करना है, की कीता सी, हो की हो गया, अच्छा ये करन वाला पिया, इदां हुंदा ना, ये आम गल है। ते गुरु साहब वेखो किड्डी वड्डी देन, राग ये हुंदा ध्यान लाउणा, प्रेजेंट होना, प्रेजेंट बड़ा औखा काम जे, मेरे लिए तो बड़ा औखा काम जे, मैं बिल्कुल सच तुहानू कहां, मैनू नहीं पता तुहाडे लई हैगा कि नहीं, पर थोड़ा असी अंदर अपने अंदर झाती मार के वेखिए, बड़ा औखा काम जे। ते किड्डे खुशकिस्मत असी कि गुरु साहब ने किड्डी वड्डी अमोलक अनमोली देन सानू दे छड़ी है। गुरु साहब की आखते ने राग, मेरा दिल करता मैं बस ये बार बार बोली, राग नाद शब्द सोहने जा लागै सहज ध्यान, बड़े आराम ना, बड़े सुखैन, बड़ा सौखा, मेरे नज़रिए मुताबक ये चीज़ है। राग नाद सब सच है, कीमत कही ना जाए, राग नाद सब सच है। नाल गुरु साहब ये भी आखते ने, फरमान करते ने, राग रतन परियां परवार, राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत स्वार। देखो किड्डी वड्डी गल है, राग दी किड्डी महानता गुरु साहब फरमान करते ने। वैसे मैं अगे थोड़ी रवानगी नाल तुहानू दसा भी राग गुरबाणी दा रचना मूलक तत् है, राग गुरबाणी दा रचना मूलक तत् है। गुरबाणी दे लगभग हरेक शब्द उपर राग दा नां पहला लिखा गया है, सिरलेख वजो राग गुरबाणी का रचना मूलक तत् है, ते राग का नाम हरेक शब्द तो पहला लिखा गया है। जन्म साखियां दे हवालियां ते खोजियां दियां टिप्पणियां तो यह पता लगता है कि बाणी ते राग इकट्ठे ही उचारे गए। किड्डी महानता वेखो संगीत दी, राग दी, गुरु साहबान की देन वेखो। विद्वान ये भी बयान करते हैं कि जिमें वो कहते हैं गुरबाणी ते राग इकट्ठे ही उचारण किए गए, सगों एक गल होर थोड़ी दसते ने कि पहला राग नाल माहौल सिरजिया जाता सी, पहला राग नाल माहौल सिरजिया जाता सी, फिर गुरबाणी उचारण होंदी सी। नौ मास का रिश्ता, ठीक है ना, जदों कदे भी गुरु नानक साहब गुरबाणी उचारदे जां शब्द कीर्तन का प्रबंध करदे ते जदों भी वह प्रारंभ करन लगदे सी शब्द कीर्तन, ते वह फुरमान करया करदे सी, सोच के वेखो वह कैसा वेला, वह कैसा सुभागा समा, वह कैसिया हिरदेमई गल्लां होणगियां, उन्हां नूं असी इमेजिन करके देखिए। ते गुरु साहबान फरमाया करदे सन, मरदानिया
अखे मरदानिया शब्द चित कर तो बाजो बाणी सर नहीं आंदी। मरदानिया रबाब बजाए। देखो कैसा सुमेल संगीत दा गुरबाणी दा। ते फिर गुर कहे ओ मरदाने पाए हे प्यारे तू तार बजाए। फिर मरदाने तब तार बजाई सगल सभा सगल सभा सुध रही न काई। आहा ओ महसूस करके देखो नजारा। गुरु नानक तब शब्द उचारा सुर तिलंग मैं लागे प्यारा। आहा ढाडी को गुर कहो अलाए हे मरदाना तार बजाए। श्री सतगुर तब शब्द उचारा राग वडहंस है लगा प्यारा। श्री गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज जिन्ने भी राग ने सारे विलक्षण ने। खैर एक किताबी गल्लां ने मैं विचों विचों जिथे कुछ खास विशेष गल आउंदी है वेखो किड्डी। मैं एक गल तुहाडे नाल होर सांझी करन लगा कि जिहड़ा भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जिन्ना भी रागां का प्रयोग हुंदा है जां हुंदा रहा है पुरातन वेले जिहड़ा हुंदा रहा है। मैं समुचे भारतीय संगीत की गल नहीं करांगा। बड़े बड़े विद्वान महाविद्वान जिन्हों को असी विद्या ली है अपने अध्यापक साहबान बड़े प्रिंसीपल साहबान ने प्रोफेसर साहबान ने जिन्होंने बड़े बड़े विद्या ली है पंडित जी को भारतीय संगीत के अंतर्गत जिन्हों को महारत है। पर देखो गुरु साहब की कृपा देखो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भावें रागों का प्रयोग संगीतकारा वालों अपने दातियां दियां मैनू हुक्म होया भाई थोड़ा समा कुछ इस तरह का है। होर भी विद्वान ने तुहाडे लई बहुत दूरों दूरों आए जिन्हों को तुसी विद्या प्राप्त करनी है। मैं अपने निश्चित समय दे विच कोशिश करूँगा एक बजे तक समाप्ति कर दिया। ते रागां नू मैं गल कर रहा सी कि पहला भारतीय संगीत के अंतर्गत जिहड़ा रागां दा प्रयोग सी ओह दाते जिहड़े सी उहनां दे संगीतकारां दे राजे महाराजे उहनां दीआं विलासी रुचियां नू तृप्त करन लई हुंदा सी। परंतु गुरु साहबान ने वेखो किड्डी कृपा कीती किड्डा उच्चा दर्जा देता रागां नू। रागां विच श्री राग है जे सच धरे प्यार गौड़ी राग सुलखणी इसे तरह सोरठ ताम सुहावनी इसे तरह राम कली राम मन वसया फिर इसे तरह मलार शीतल राग है। बड़ा कुछ गुरु साहबान ने गुरमत संगीत दियां कई वनंगियां पेश कीतियां ने जिन्हां दा वक् वक् समें ते असी तुहाडे नाल सांझियां करिया करांगे। ते मैं हुण जिहड़ा राग असी आरंभ कीता सी जिहदी अरोबरो बड़ी सिंपल जी बंदिश मैं तुहाडे नाल सांझी करन लगा। राग तुखारी एक ताल बारह मात्रा दा ताल धिन धिन धागे तिरकिट तू ना का ता धागे तिरकिट धिन ना धिन 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 धागे तिरकिट तू ना का ता धागे तिरकिट धिन ना धिन सम धिन धिन धागे तिरकिट तू ना का ता धागे तिरकिट धिन ना धिन। सिंपल बड़े साधारण तरीके नाल असी
इनू करते हैं असी जड़ी मेन स्वर संगति तुहानू दसी सी पाने दा पा असी इतों ही अपनी बंदिश शुरू करांगे तुसी मेरे मगर मगर बोलिया दे ठीक है नेर गुण राखड़िया नेर गुण राखड़िया नेर गुण राखड़िया ने एक गल इत्थे मैं थोड़ी दसा मैं थोड़ा ध्यान रखदा हुंदा इस चीज का पर बंदिश का वजन जिहड़ा उहनू कुछ बराबर करन लई जां ए फिर उही गल भी इंडिविजुअल लैवल ते मैनू इस तरह गाना अच्छा लगदा है हुण असीं इस तरह कह रहे हां नेर गुण राखड़िया अच्छा इत्थे एक चीज मैं दसना चाहुंना भी इत्थे नेर गुण असी कह रहे हैं जे असी इहनू होर थोड़ा उच्चारण नू ठीक करना चाहिए जे असी ज्यादा असी बंदिश दे वजन वाल ना जाइए फिर असी इहनू इस तरह भी गायन कर सकते हैं नेर गुण राखड़िया नेर गुण अच्छा इत्थे फर्क की पिया फर्क की पिया निक्कियां निक्कियां गल्लां दा ध्यान रखिया करो निक्कियां निक्कियां गल्लां दा जदों मैं कह रहा नेर जे तां असी पूरे भाव नाल गा रहे हां इस चीज नूं जे असी पूरे भाव नाल गा रहे हां जे असी शब्द की बंदिश वाल भी थोड़ा ध्यान रखते पे हाँ तो फिर नेर बन जाती है बिहारी बिहारी समझते हो ठीक है गुण के थले एक औंकड़े जे असी जिमें मैं पहला गायन कर रहा वो दो औंकड़ भी महसूस होंगे इस गल का ध्यान रख्या करो लेकिन बंदिश के वजन को मुख रखते हुए उहदे भाव नूं प्रगट करदे होए इह गल इह सवाल तुहाडे माइंड च आउंदा होएगा उहदे मुताबक मैं इहनूं सिंपलीफाई करके इहनूं बणाया सो असी इसे तरीके नाल इहनूं सांझा करांगे नेर गुण राख राखड़िया नेर गुण संतन का सदका संतन का संतन का सदका नेर गुण रा
लास्ट वालियां छे मात्रा अखीर ते ना फिर लिखिया ने। एक बारी असी सात आकार जावांगे पूर्ण पुरख विधाते, दूसरा अंतरा भी मैं गायन करके तुहानू दसांगा, लेकिन जदों असी अस्थाई फिर चुकनी है तो फिर असी पा ते किस तरह आवांगा देखो। पूर्ण पुरख
विधाते पूरन पुरख विधाते निर्गुण। ठीक है, हुण असी एक बार पहले छठ तक आवांगे, फिर पंचम तक, राइट। बार बार इस चीज नूं गावांगे, एक बार छठ तक, एक बार पंचम तक। पूरन पुरख विधाते पूरन आते पूरन पुरख विधाते पूरन पुरख पूरन पुरख विधाते पूरन पुरख विधाते निर्गुण राखिया निर्गुण। दूसरा अंतरा पुस्तक कहन ना जाए तुम्हारी, पुस्तक कहन ना जाए तुम्हारी, पुस्तक कहन दस्या सी। एक बारी छठ ते आवांगे, फिर पंचम ते आके फिर स्थाई आरंभ करांगे। मेले नाम हर नेम का, मेले नाम हर नेम का निर्गुण राख लिया सद का
राख लिया ने रगोण राख लिया संतन का सदका संतन इच्छा सी मैं एक शब्द मेरी इच्छा सी भी मौके का राग सारंग तुहाडे नाल सांझा करांगा पर वीर जी की कृपा हो गई प्रिंसिपल साहब की भी पहला मैनू टाइम देता तो मैं दो तीन मिनट के स्थाई अंतरा जे हुक्म हो मैं सारंग का कह लूँ मैं एक शब्द है मैं केवल सिंपल अस्थाई अंतरा मेरी इच्छा सी गुण निर्मंगल
गायो री हमारा गहना
तन संतन का, तन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम तियाया, संत प्रसाद हर नाम संत प्रसाद हर नाम तियाया, संत प्रसाद हर नाम तियाया, सर्व कुशल तब तिया, कुशल सब तिया, संत है चरना मोर लो माता, संत है चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत तरे हाथा, साध मंत्र मोर लो मनवा, मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया, भगत दर्श, भगत है दर्श देख नैन रंगा, लोभ मोह टूटे भ्रम संगा, कहो नानक कहो नानक मिले परमानंदा, खोल पीत मिले परमानंदा, गाजो दी मैं गुण नित मंगल गावे, गायो दी मैं गुण नित मंगल गावे, गायो दी मैं मंगल गायो, गायो दी मैं गुण नित मंगल गायो, गायो दी मैं गुण नित मंगल गायो, गायो दी मैं गुण नित मंगल गायो, पले संजो गुण नित मंगल गायो, गायो दी मैं गुण नित
गायो जी मंगला गाय